किसी काम को करने में अगर डर लगे तो दोस्तों याद रखना कि ये संकेत है कि आपका काम वाकई बहादुरी से भरा हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि जनसंख्या पर आधारित है, परसेंटेज की क्लास है जिसमें मैंने परसेंटेज में चुनाव संबंधित मूल्य में वृद्धि और कमी और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ और उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे वो है जनसंख्या पर आधारित और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो चार क्वेश्चन के जरिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो एक एक करके हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को करना मैं सिखाता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया परसेंटेज का किस प्रकार से, आपको डायरेक्टली मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से उसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के अलग अलग टाइप को समझेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो दोस्तों पहला मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ध्यान से सुनिए। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन तब देखेंगे तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो देखिए जनसंख्या कितनी दी हुई है शहर की, 64,000, ठीक है। कितनी दी हुई है जनसंख्या, 64,000, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि 10% वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद कितनी हुई है। सिंपल सा मेथड है, कुछ करना नहीं आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ दिया है आपका दोस्तों कितना, 64,000, कितना दिया है 64,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम चक्रवर्ती ब्याज करते हैं उसी तरीके से आपको करना है, लेकिन उसको फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। अगर आप यूज करते हैं तो काफ़ी लेंथी और हो जाएगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना टाइम आपको एग्जाम में मिलता नहीं है। देखिए पहले वर्ष क्या हुआ कि जनसंख्या 10% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष भी 10% और तीसरे वर्ष भी 10%। तो पहले वर्ष बढ़ रही है 10%, तो 110 हो जाएगा, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ष भी 10% बढ़ रही है तो 110 हो जाएगा, नीचे इसके लिए भी 100 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे वर्ष क्या हो रहा है, फिर कितनी बढ़ रही है दोस्तों, 10%, तो भी क्या हो जाएगा, 110/100, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, जल्दी से क्रॉस करने का मेथड आपको समझना है, जल्दी से क्रॉस करना। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस हो जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस हो जाएगा, 1 जीरो से ये हो जाएगा, इस 1 जीरो से ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 64 गुणा, देखिए 11 × 11 × 11 कितना होता है, 1331 होता है, 1331 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको केवल मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं, मैं जानता हूं, फिर मैं आपको करके बता देता हूं। देखिए जब हम 4 का करेंगे तो 4 × 4 = 12 × 12 = 13, 4 × 1 = 5, ये हो जाएगा। उसके बाद हम 6 का करेंगे तो 6 × 6 = 18 × 6 = 18 × 1 = 19, और ये हो जाएगा आपका 6 × 1 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 11 × 1, और ये हो जाएगा आपका फिर दोस्तों 15 × 5, और ये हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपका 85,184। 85,184 आपका ऑप्शन है जो कि ऑप्शन है बी ऑप्शन है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपकी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन काफ़ी अलग है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी, यदि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताइए। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन था उसमें परसेंटेज केवल एक था और तीनों बार अलग अलग था, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, 3 वर्ष हैं तो तीनों के लिए अलग अलग परसेंट घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। आपको कॉन्सेप्ट वही रखना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। देखिए दोस्तों वर्तमान जनसंख्या निकालनी है, पहले की कितनी थी आपकी, पहले की जो थी वो थी आपकी 5 लाख, तो आप जानते हैं 5 लाख ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कितनी थी, 5 लाख थी, ठीक है। 5 लाख जनसंख्या है, उसके बाद पहले वर्ष क्या हो रहा है। दोस्तों पसंद आ रहा जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए ये कितना दिया है आपका, 5 लाख दिया है, ठीक है। उसके बाद पहले वर्ष क्या हो रहा है, 5% घटी, तो 100 × 5 गया तो कितना बचा, 95, परसेंट हटाने के नीचे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या हुआ दोस्तों, नेक्स्ट ईयर हुआ कि 8% बढ़ी तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 कितना हो जाएगा, 100। पैटर्न आपको वही रखना। तीसरे वर्ष क्या हुआ दोस्तों, 10% घटी तो कितना बचा, यहाँ 90 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। पैटर्न वही है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसी पैटर्न से कर रहे हैं दोस्तों। अगर पसंद आ रहा हो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आपको मैथ में पूरा डीपली बता कराऊंगा, ऐसा नहीं मैं 1-2 चैप्टर कराऊंगा, एडवांस मैथ तक ले जाऊंगा, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों इसके बाद हम क्रॉस करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो,
एक जीरो से ये और एक जीरो से ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा 5 × 95 गुणा आएगा आपका 108 और ये आएगा आपका 9, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लिए छोटी छोटी वाली वैल्यू का, तो ये हो जाएगा आपका 45 गुणा कितना हो जाएगा 95 गुणा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना जानते हैं, फिर भी मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। वैसे इसका जो आंसर है वो सी आएगा, 461,700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 461,700 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने में ऐसी कोई समस्या नहीं, आपको केवल इन मल्टीप्लाई को करना है, ठीक है। जल्दी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 100 का मल्टीप्लाई कर लें यहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, ठीक है। फिर 95 को क्या करें, 45 को 5 बार माइनस कर दें, फिर और लेंथी हो जाएगा। इससे तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 461,700 आपका क्या आ जाएगा, 461,700 आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर दोस्तों पसंद आ रहा जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट मेथड से बताऊँगा, बहुत ही शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जो कि मैंने SGR बुक से लिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ अभी आपको। क्वेश्चन है आपका, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या बताएं। देखिए अगर आप इसको x मानते हैं कि पुरुषों की संख्या x और महिलाओं की संख्या y, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, आपको करने में टाइम लगेगा। ऐसे ही इस प्रकार से मैंने साधारण ब्याज का एक ट्रिक बनाया है, जिसमें अलग दो राशियों को अलग अलग पर दिया जाता है रेट पर, बहुत ही अच्छा मैंने ट्रिक बनाया उसके लिए। इसी प्रकार से इसका भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि ऑलरेडी जो जनसंख्या है, पहले इसको देखते हैं कि जो जनसंख्या है वो कितनी है, 15,000 है, कितनी है, 15,000 है, ठीक है। अब जो पुरुषों में वृद्धि हो रही है, ठीक है, वो 8% की हो रही है, महिलाओं में जो वृद्धि हो रही है वो, ये पुरुषों की वृद्धि होगी, ये महिलाओं की वृद्धि होगी 10%, ठीक है। उसके बाद कितनी हो रही है, 16,300 हो जाती है, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ लिख दिया है आपको बताने के लिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ जो वृद्धि हो रही है आपको, ये जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, जितनी वृद्धि हो जाने के बाद हो जाएगी उसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 16,300। उसमें क्या करना है आपको, केवल दो जीरो ऐड करना है, क्या करना है, दो जीरो ऐड करना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। दो जीरो क्या करना है दोस्तों, ऐड करना, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही थी, 8%, तो आपको क्या कर देना, वो 108 हो जाएगा। सीधी सी बात है, आप जानते हैं इसमें वृद्धि हो रही है 10%, तो 110 हो जाएगा, ठीक है। आप ना लिखें इसको तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप वृद्धि करने के बाद लिखें, तब भी आपको क्या है, आंसर आपका सही आ जाएगा। फिर भी आपको लिखना जरूरी होता है कि जब 8% की वृद्धि हो रही तो 108 हो जाएगा, और 10% की वृद्धि हो रही है तो महिलाओं की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपसे पूछा किसका है, अब पूछा है आपसे स्त्रियों की संख्या, तो देखिए स्त्रियों की संख्या पूछी, तो आपका इस 108 को जो पहले की जनसंख्या उसमें मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान से सुनिए, जो पहले की जनसंख्या है उसमें अगर स्त्रियों की पूछी है महिलाओं की, तो आपको पुरुषों की संख्या परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और आपसे अगर महिला पुरुषों की पूछी होती तो हम महिलाओं की 110 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते। अब हमसे क्या पूछिए दोस्तों, महिलाओं की पूछिए, क्या पूछिए, महिलाओं की पूछिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उसका। महिलाओं की पूछिए तो आपको क्या करना है कि इस पुरुषों की जनसंख्या जो परसेंटेज है उसको पहले वाली जनसंख्या मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं यहाँ करके आपको बता देता हूँ कि 15,000 गुणा आपको क्या करना है, 108 करना, ठीक है। ये 3030 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर 15 का करेंगे तो 15 × 20 हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 15 × 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 162,000, ये हो जाएगा 16,00,000 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ये 16 लाख, ये भी 16 लाख से ज़्यादा हो, तो इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 3, 4, तो जब माइनस करेंगे तो ये सीधा सीधा आपका बचेगा 10,000, ठीक है। 0, 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, ठीक है। तो कितना बचा दोस्तों आपका, 10,000 बचा, ठीक है। कितना बचा आपका, 10,000 बचा।
अब आपको क्या करना है, इन दोनों परसेंटेज का अंतर देखना है। इन दोनों परसेंटेज का अंतर क्या, बहुत ही शॉर्ट मेटर समझाने में टाइम लग रहा है मल्टीप्लाई करने में, दोनों का अंतर कितना है 2, तो आपको 2 का डिवाइड दे देना है तो आंसर आ जाएगा आपका 5000। ठीक है, तो महिलाओं की जो संख्या आती वो कितनी थी, 5000। इसी क्वेश्चन में अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि हमें पुरुषों की संख्या निकालनी है कितनी थी, तो इस 5000 को इसमें से घटा दें, कितना आ जाएगा आपका 10000। अगर आप डायरेक्ट पुरुषों की संख्या निकालना चाहते हैं तो इस 110 का आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता, जिसके बाद हम वही प्रोसेस करते, यही 2 का डिवाइड देते, इनका अंतर होता है। ये बहुत ही शॉर्ट पैटर्न है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। अगर दोस्तों पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दिया, अगर आप टीचिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस पैटर्न को कोई नहीं बताता है, सब किस प्रकार से करते हैं। मैं यहाँ समझा देता हूँ कि महिलाओं की संख्या एक्स, पुरुषों की संख्या वाई, पहले कितनी थी 15000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जनसंख्या क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती, क्या हो जाती, 108 हो जाती इसकी, तो 108x/100। फिर इसकी कितनी हो जाती, 110y/100 बराबर कितनी हो जाती, 16300। इसको सब पैटर्न बता, इसको बताते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी टीचर। इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन है काफ़ी आपके लिए लेंथी हो जाएगा, आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई तगड़ा करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा आप इस पैटर्न को याद रखें तो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। ये पैटर्न साधारण ब्याज में लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में लग जाता है, काफ़ी ऐसे वो हैं क्वेश्चन जिसमें ये पैटर्न लगता है, तो आपको मैं साथ ही साथ बता चलूँगा ये पैटर्न कहाँ से, किस प्रकार से, किस किस क्वेश्चन में लगता है। दोस्तों अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको आज का लास्ट क्वेश्चन बता दूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में SSC में 10+2 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 189000 है, उसमें 4/9 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएँ हैं, तथा पुरुषों की संख्या, पुरुषों का 50% विवाहित है, तो विवाहित जनसंख्या की गणना कीजिए। विवाहित जनसंख्या की गणना कीजिए, उसका प्रतिशत आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ एक कस्बे की जनसंख्या क्या है। जनसंख्या जो दी है वो 189000 दी है। कितनी दी है दोस्तों, 189000 दी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसमें 4/9 पुरुष हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है, पुरुष हमको निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका 4/9 यहाँ कैलकुलेशन साइड में मैं आपको करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा क्वेश्चन की वजह से, यहाँ मैं थोड़ा नीचे कैलकुलेशन कर देता हूँ। 189000 में कितना है दोस्तों, क्या है आपका 4/9 पुरुष है, 4/9 पुरुष आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो 9 से इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो 9 × 2 = 18, 9 = 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, 100000 कितना था, 89000, मैं उसको गुणा करेंगे तो 000048 कितना हो जाएगा, 84000। तो पुरुष जो हैं वो कितने हैं दोस्तों, 84000 है। सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, 84000 है। अब 84000 पुरुष हैं तो ये कितने होंगे बाकी, 105000। भाई 84000 को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो महिलाएँ कितनी होंगी दोस्तों, जो महिलाएँ होंगी, जो स्त्रियां होंगी, जो महिलाएं होंगी, वो कितनी होंगी, 105000 होंगी। कितनी होंगी, 105000 होंगी। ठीक है, 105000 होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको और सिंपल तरीके से करते, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले, तथा पुरुषों का, पुरुष जो हैं वो 50% विवाहित है, तो जो पुरुष जो हैं इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को गलत कर देते हैं। देखिए 50% अगर मैं इसका निकालूं तो आप जानते हैं कि इसका जो 50% होगा, ठीक है, इसका जो 50% होगा वो कितना होगा, 42000। कितना होगा दोस्तों, 42000। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 42000 जो पुरुष होंगे वो विवाहित हैं। अब एक बात ध्यान से समझिए, हमको इस 42000 का परसेंटेज नहीं निकालना है 189000 में से, हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस पैटर्न को। समझना क्या पड़ेगा कि दोस्तों हम जानते हैं कि 42000 जो हैं वो पुरुष हैं, वो क्या हैं, विवाहित हैं, तो महिलाओं के साथ ही तो विवाहित होंगे वो, तो 42000 पुरुषों की शादी 42000 महिलाओं से हुई होगी। ठीक है, तो 42000 महिलाएं इसमें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, 7 विवाहित लोग हो जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या एक ही गांव की है, उसमें से ही 42000 पुरुष विवाहित हैं, तो उसमें से 42000 महिलाओं से उनकी शादी हुई होगी, तो टोटल जो आएगा विवाहित का वो 84000 होगा। ठीक है, 84000 होगा, तो 84000 का आपको क्या करना, परसेंटेज बताना, तो 84000 आपको बताना है 189000 का परसेंटेज गुणा 100, ये आपको करना। ठीक है, आप जब इसको करेंगे तो ये इसको काटेंगे तो ये आपके 2 जीरो कट जाएंगे, ये आपका 1 जीरो कट जाएगा, आपके हो जाएंगे
ये 8400 बट्टी आ जाएगा 189, ठीक 189 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटें तो ये तीन से कट जाएगा, तीन दोनों छः, तीन अट्ठे 24, 28 हो जाएगा। ठीक है, तीन से काटेंगे, तीन छः 18, तीन तीन 9, 7 चौक 28, 400 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हट जाएगा अब यहाँ से, तो 7 9 63 हो जाएगा, तो 400 बट्टी कितना हो जाएगा 9। और आप जानते हैं जो 400 बट्टी 9 होता है वो 44.44% होता है, तो जो विवाहित की जो संख्या है वो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा आपका 44.44 आपका आंसर आ जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपसे जनसंख्या में क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं तो आप कहीं भी पढ़ें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रूरी है कि आप घर पे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप कोई कोचिंग से पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले रखी हैं, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप कहीं से पढ़ें, आप कॉन्सेप्ट के जरिए पढ़ें तो आप मैथ को सीख पाएंगे। अदरवाइज अगर यूट्यूब की ट्रिक पर जाते हैं, जो कि ट्रिक बताते हैं इस प्रकार से ट्रिक होगी, तो आप एक दो क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, आपको पूरा मैथ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो घर पे प्रैक्टिस करें, और उसके साथ साथ ही आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें पूरे पैटर्न के साथ, क्योंकि कभी भी एग्जाम में किसी बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसके पैटर्न के बेस पर आता है, और कोई कोई पैटर्न ऐसा आता है जो शायद आपने कभी ना पढ़ा हो। तो दोस्तों, अगर आप बेस समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो आप आसानी से किसी भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अगर आपको मैथ अच्छा लग रहा है तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ना करें और लाइक भी ना करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।